स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास है XUV 3XO का MX2 प्रो वाला वेरिएंट। आज के इस वीडियो में जो हम इस वेरिएंट के बारे में A to Z डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या कुछ ये वेरिएंट जो है ऑफर करता है। साथ के साथ एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये हमारे पास जो है डीजल मैनुअल के अंदर है। डीजल के अंदर आप वेरिएंट की अगर आप बात करते हो तो MX2 वेरिएंट से जो है डीजल की स्टार्टिंग होती है और ये जो है डीजल का सेकंड बेस वेरिएंट है। आज के इस वीडियो में जो है हम A to Z इस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ आपको फीचर्स में देखने को मिलता है, प्राइस वगैरह में क्या कुछ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है इस वेरिएंट की चाबी दिखाता हूँ, बाकी फिर बात करते हैं इसके बाकी सब चीज़ों के बारे में। चाबी आप देख लो, ऐसी कुछ आपको यहाँ पे जो है चाबी देखने को मिलेगी। सामने की तरफ आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक और फॉलो मी का। ये सेम चाबी जो है आपको टॉप एंड में भी मिलती है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको जो है फ्लिप की का ऑप्शन मिलेगा। फ्लिप की उसमें भी आती है, बट इसके अंदर आपको पुश बटन का जो ऑप्शन है वो चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी पीछे अगर आप देखोगे तो महिंद्रा का आप लोगो देख सकते हो और जो दोनों चाबी हैं बिल्कुल आपको सेम मिलेगी। चाबियों में कोई भी फर्क नहीं है, सेंटर लॉकिंग वगैरह जरूर से मिल जाती है। तो पहला फर्क तो देखो ये है, अगर आप बेस वेरिएंट के ऊपर जा रहे हो तो बेस वेरिएंट अगर आपने MX1 देखा है पेट्रोल के अंदर, तो वहां पे तो देखो की वगैरह जो है नॉर्मल वाली आती है, उसमें बटन वगैरह आते ही नहीं है। बट अगर आप MX2 प्रो पे जाते हो तो देखो प्रो में एक चीज बहुत खास है, आपको लगे आप दिखाई देता हूं ये चीज, ये जो सनरूफ आप देख पा रहे हो, अगर आप नॉर्मल लेते हो तो वहां पे सनरूफ नहीं मिलेगी। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो MX2 प्रो वेरिएंट पे ही जो है आपको जाना पड़ेगा। बाकी तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको जो है इसके प्राइसिंग और बता देता हूँ। अगर आप इस वेरिएंट को डीजल मैनुअल के अंदर लेने जाते हो तो ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 10,40,000 एक शोरूम। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से देख लेना और साथ के साथ ये आपको कलर भी दिख रहा होगा कि ये हमारे पास जो है आज ब्लैक कलर के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग वाला जो लुक है इसका यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। बाकी बात करें सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। सेम टॉप एंड में जैसी ग्रिल आती है वैसी आपको यहाँ पे जो है ग्रिल दे रखी है। नीचे भी सेम ग्रिल है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। नीचे स्किड प्लेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा कभी कार खराब हो जाती है, टो करना चाहते हो, वो चीज़ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, इस कैप को निकाल के आप जो है कार को टो कर सकते हो। लुक ऑलमोस्ट सेम सी है, कोई फर्क नहीं। अगर आप बेस वगैरह देख रहे हो या टॉप एंड वगैरह देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम सी मिलने वाली है। बाकी इधर बात करें तो देखो फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेगी, वो सिर्फ इसके अपने AX7 और AX7L वाले वेरिएंट के अंदर आती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, DRL आपको ऊपर दे रखे हैं। हेडलाइट यूनिट की बात करोगे तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हैलोजन बल्ब के साथ। ऑटोमेटिक वगैरह जो है नहीं आता है। बाकी डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो, टॉप एंड में भी सेम डिज़ाइन वगैरह जो है आपको मिलती है। बाकी कलर वगैरह के लिए एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैं जो है कलर वगैरह सारे मेंशन कर दूंगा। बाकी बोनट वगैरह पे आपको जो है यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और इस साइड से देखें तो पूरी कंप्लीट कार आप देख लो, यहाँ पे आपको बड़े साइज़ की जो है क्लैडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। टॉप एंड में भी बिल्कुल सेम आता है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे डोर के नीचे भी आपको क्लैडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। बात करें इस वेरिएंट के व्हील्स के बारे में तो सबसे पहले तो अगर आप MX2 प्रो वेरिएंट के ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा, साथ में व्हील कवर आपको मिलेंगे। महिंद्रा का आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो, अपोलो के यहाँ पे आपको जो है टायर मिलने वाले हैं। सेक्शन की अगर आप बात पूछोगे तो यहाँ पे आप देखो 205/65/16/16 inches के जो है यहाँ पे आपको रिम का साइज मिल जाता है। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक दे रखे हैं और एक बार पीछे और देख लेते हैं। पीछे भी आपको सेम जो है डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और ABS CVT वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड मिलने वाली है। और साथ में बात करें इसके ORVMs के बारे में तो ये आपको बॉडी कलर मिलते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जरूर से कर सकते हो, बट ऑटो फोल्ड वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है इसके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और जो अपना A पिलर वगैरह है वो भी आपको बॉडी कलर मिलेगा। साथ में रूफ वगैरह भी बॉडी कलर आपको आने वाली है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप अपने AX5 वगैरह पे जाते हो ये देखो सामने आपको जो है रूफ रेल्स वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको रूफ रेल्स वगैरह चाहिए तो आप एसेसरीज वगैरह में जो यहाँ पे ले सकते हो। बाकी बॉडी कलर आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, सेम आपको बॉडी कलर जो है अपना B पिलर वगैरह दे रखा है। डीजल वगैरह फिल करना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, साथ में आप इसके अंदर जो है AdBlue भी फिल करना पड़ेगा। बाकी ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये आपको पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है, पेंट आउट नहीं है। बाकी पीछे से भी एक बार आप कंप्लीट लुक देख लो, ऐसी कुछ आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट लुक मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है वाइल्ड एंटीना मिल जाता है, LED स्टॉप लैंप आपको दे रखी है। इस वाले वेरिएंट के अंदर कोई भी डिफॉगर वाइपर जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी ना ही कोई कनेक्टेड वगैरह जो लाइट है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है और जो रिवर्स लाइट वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बाकी डिज़ाइन वगैरह जरूर से यहाँ पे दे रखे हैं। और सेफ्टी में बात पूछोगे तो पीछे आपको जो है 2 सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा। और लगे हाथ अगर आप वेरिएंट देखना चाहते हो ये देख लो, यहाँ पे आपको XUV 3XO MX2 प्रो डीजल मैनुअल के अंदर जो है ये वेरिएंट है। बाकी रियर स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, सेंसर वाली बात मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो XUV 3XO की बैजिंग आपको मिल जाती है, महिंद्रा का आपको लोगो दे रखा है। और अब खोल लेते हैं लगे हाथ इसका बूट और ये देखो
ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट बूट देखने को मिलेगा। इसके कैपेसिटी की बात करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 364 लीटर का बूट स्पेस, जिसको कि आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड जरूर से कर सकते हो। साथ में इस वाले वेरियंट के अंदर 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है अपने रियर सीट्स के अंदर। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दे रखे हैं। सेफ्टी के अंदर सारे बंदों के लिए आपको जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है देखने को मिलेगी। साथ में 6 एयरबैग जो है बेस वेरियंट से यहाँ पे आ रहे हैं। तो महिंद्रा ने जो है सेफ्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रॉपर ध्यान दे रखा है। बाकी स्पेयर टायर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो है अपना स्पेस सेवर वाला जो है टायर मिलने वाला है, जो कि सीएट की तरफ से आएगा। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्पररी यूज़ वाला टायर है। बाकी यहाँ पे जो है टूल किट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। इसको कर देते हैं बंद। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम 5 kg तक का जो है वेट डाल सकते हो। यहाँ पे भी आपको दे रखा है, दोनों तरफ आपको जो है प्रॉपर हुक मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे नहीं आएगी, वो आपको जो है सीरीज वगैरह में अगर चाहिए तो एक बार आप डीलरशिप पर बात करके जो है इसके बारे में पूछ सकते हो। इसको कर देते हैं बंद। पीछे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी अगर आप कभी कॉल करना चाहते हो, ये नंबर आपको मिल रहा है, इस पर आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो कभी भी कोई भी दिक्कत वगैरह आए तो। बाकी अब इस साइड आ जाए तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिजिकल की लगाने का ऑप्शन आपको दे रखा है। और बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे आपको जो है 200 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी स्क्रीन पे जो है डायमेंशन वगैरह भी आ रही होंगी, एक बार जरूर से देख लेना। तो ओवरऑल अगर आप MX2 Pro वेरियंट के ऊपर जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको मिलने वाली हैं इस 3XO के MX2 Pro वेरियंट के अंदर। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर से पूछ सकते हो। बाकी बात करें डोर ट्रिम वगैरह की तो सेम डोर ट्रिम है, कोई फ़र्क नहीं है। और इधर बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा जो कमी वाली चीज़ है वो आपको यहाँ पे लगेगी कि यहाँ पे कोई भी आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। सेम फैब्रिक सीट्स हैं, चाहे आप MX1 लो चाहे MX2 लो, प्रो वेरियंट तक बिल्कुल सेम आती है, कोई बदलाव नहीं है। बाकी अब ज़रा गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी डीजल है तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ ज़रूर से आएगी। और इसको कर देते हैं बंद। सबसे पहले तो डोर ट्रिम की बात करोगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन मिलने वाली है। मैट फिनिश में डोर लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो है 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। ट्यूटर्स वगैरह जो है इसके अंदर नहीं आते हैं। बाकी जो ORVM के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन नहीं आता है। ऑटो डाउन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट अगर आप ऑटो अप की बात करते हो तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा सेम पियानो ब्लैक जो है पावर विंडोज मिल जाती है, टॉप एंड में भी सेम ही आती हैं। यहाँ पे कोई भी आपको लेदर वगैरह का यूज़ जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और स्टेयरिंग व्हील की बात पूछोगे तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके का जो है स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंटर में महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे आपको जो है इन्फोटेनमेंट के बटन जरूर से मिल जाते हैं। इसके एडजस्टमेंट की बात पूछोगे तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस पे महिंद्रा को थोड़ा सा ध्यान जरूर से देना चाहिए भाई, एक हाथ से तो आप इसे कर ही नहीं पाओगे, बहुत ही मुश्किल है। बाकी वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। और साथ में देखो टायर की डायरेक्शन भी दिखाता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है ये देखो इस तरीके से। बाकी एनालॉग बेस्ड पूरा सेटअप मिलता है, टैकोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 6 तक की मार्किंग भी रखी है। आप पता भी लगाना चाहते हो कि डीजल है क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी में, डीजल कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप गियर चेंज करोगे इस तरीके से तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से वार्निंग नहीं दिखा रहा है, एक बार ऐसे देखें तो सिर्फ इतना ही बताता है न्यूट्रल वगैरह है। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर आप देख सकते हो, टाइम कितना हो रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे मोड चेंज करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मल, स्पोर्ट और अपना कम्फर्ट, 3 मोड आपको मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप ट्रिप वगैरह को चेंज करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में सेट वगैरह करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है। डिस्टेंस टू MPT आपको मिल जाता है। उसके अलावा और प्रेस करें यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पर DF का लेवल दिखा रहा है, वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि डीजल में ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे ज़रूर से देखने को मिलेगी। बाकी सेंटर में बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है 10.25 वाला जो है एंड्रॉयड वाला म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा। इससे ऊपर जैसे ही जाते हो तो वहाँ पे जो है महिंद्रा का खुद का वाला आता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब सा जरूर से लग सकता है क्योंकि जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। डेफिनेटली आपको जो हल्का वाला जो फील है वो आने वाला है। बाकी इसके अंदर आप ब्लूटूथ के थ्रू गाने वगैरह ज़रूर से चला सकते हो। बाकी ऑल मेन्यू देखें तो यहाँ पे देखो ऑक्स वगैरह है, ब्लूटूथ है, यहाँ पे पता नहीं लिंक वगैरह दे रखा है, बेसिक सही है। अगर आपने पुरानी वाली क्लासिक वगैरह देखी होगी स्कॉर्पियो तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा सा ही आता है, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है। बाकी इसको बैक करें तो यहाँ पे आपको हम्प का बटन दे रखा है। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह में देखें तो ये सारी ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है सेटिंग्स दे रखी हैं, बहुत आप कम ही दिख रही होंगी क्योंकि ब्राइटनेस वगैरह नहीं है। बाकी एंड्रॉयड वाला है, अगर आपको डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो ज़रूर से यहाँ पे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कितने भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअली एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे छोटी सी स्पेस दे रखी है। टॉप एंड में यहाँ पे जो है वायरलेस चार्जर आता है, बट यहाँ पे आप जो है फोन वगैरह इजीली रख सकते हो। इधर देखोगे 6 स्पीड का यहाँ पे आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। पूरा जो सेंटर कंसोल है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक दे रखा है। लेदर ऐप आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है।
इतना कुछ नीचे स्पेस है। उसके अलावा इधर बात करोगे तो इस साइज का आपको यहाँ पे जो है ग्लो बॉक्स मिल जाता है। पियानो फिनिशिंग का यहाँ पे भी यूज मिलता है, वैसे मैंने सीट बेल्ट वाली बात बताई दी थी, और 6 एयरबैग जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलते हैं। ऊपर मैनुअल डिमिंग एक IRVM आपको मिल जाता है, साथ में इस वेरिएंट के अंदर आपको सनग्लास होल्डर आपको दे रखा है, साथ में हेलोजन लाइट आपको मिल जाती है, और सनरूफ देखना चाहते हो अगर आपको सनरूफ चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है, बाकी इधर देखोगे यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर जरूर से दिया गया है, साथ में ग्रैब हैंडल वगैरह है, और एडजस्टमेंट आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो बहुत बढ़िया वाला वेरिएंट है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली नेक्सॉन से आज की डेट में बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपको फिट एंड फिनिश जरूर से बढ़िया वाली मिलने वाली है। बाकी सेफ्टी वगैरह तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम सी मिल जाती है। अब एक लास्ट चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ऑटो इंजन सास्ट यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे ये मिलता है। बाकी हेडलाइट लेवलर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे मिलती हैं। बाकी अब चल लेते हैं एक बार रियर में देख लेते हैं कि रियर में आपको क्या कुछ मिलता है अगर आप इसे एज अ MX2 वेरिएंट कंसीडर कर रहे हो, प्रो और उसमें सिर्फ एक ही सनरूफ का ही अंतर है, बाकी कुछ ज़्यादा मेजर फर्क है नहीं। अंदर आ जाओ, डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना भाई। देखो 5 स्टार है, फील आपको ज़रूर से होगा। बाकी सेम सारी चीज़ें, कोई बदलाव नहीं है, सेम पावर विंडो का स्विच आपको मिल जाता है, सेम लीवर वगैरह है। सेंटर में बात करते हो तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि गर्मियों के टाइम पे बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये जो है इसके बेस वेरिएंट से आपको मिलेंगे, तो ये लगा लो कि और कोई ब्रांड ये चीज़ जो है ऑफर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़रूर से आपको जाना चाहिए। बाकी सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसके अलावा एक जो है 12V का सॉकेट दे रखा है, और साथ में चार्जिंग के टाइम पर फ़ोन रखना चाहते हो ना तो वो भी ऑप्शन है, और साथ में ये पूरा जो है रबराइज आपको दे रखा है, तो फ़ोन वगैरह इतना हिलेगा भी नहीं और ना ही आपके स्क्रैच वगैरह पे आने वाले हैं। सेंटर में बात करोगे तो एक लाइट मिल जाती है, और ये थोड़ा सा क्वालिटी आपको हल्की ज़रूर से लग सकती है, वो भी सनरूफ की वजह से। अगर आप नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे बढ़िया वाली क्वालिटी मिलेगी। बाकी उसके अलावा यहाँ पे देखोगे ग्रैब हैंडल है, कोटू का आपको मिल जाता है, सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको दे रखी हैं। और सीट्स वगैरह के बारे में पूछोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो टूल किट वगैरह मिल जाती है, सीट्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पे नीचे आपको आइसोफिक्स चाल से टैंकर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी के अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेगी, साथ में सीट बेल्ट की वार्निंग भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी, और साथ में आर्मरेस्ट वगैरह की पूछोगे तो आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं आती है। उसके अलावा यहाँ पे पीछे भी आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि बहुत सही चीज़ है, नहीं तो कई ब्रांड जो है इसके अंदर कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। और एक बार पीछे से कंप्लीट डैशबोर्ड वगैरह देख लो, अगर आप पैसे लगाते हो उसके ऊपर डेफिनेटली आपको प्रीमियम वाली फील भी यहाँ पे आने वाली है। बाकी अगर कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो, और ये चीज़ मैंने आपको दिखाई दी थी। बाकी मेरे हिसाब से बढ़िया वेरिएंट है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़रूर से कर सकते हो, और जो डीलरशिप के डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएंगी, ज़रूर से जो है कॉल कर सकते हो। और अब उठा लेते हैं बोनट और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं कि इंजन में क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। सो इसको कर देते हैं बंद, और जैसे आप यहाँ से खींचोगे इस तरीके से तो इसके जो है हैजार्ड ऑन हो जाएंगे, महिंद्रा का ट्रेडिशनल फीचर है, जैसे ही बोनट खुलता है तो उनके लाइटें वगैरह जो है ऑन हो जाती हैं। अब इसको उठा लेते हैं, आ जाओ। देखो वेट की बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया 5 स्टार लेके आने वाली है, तो डेफिनेटली आपको वेट जो है बहुत अच्छा खासा फील होने वाला है, साथ में इंसुलेशन वगैरह भी आपको दे रखी है, और साथ में स्टैंड लगा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है बोनट गर्म हो रखा है भैया, क्योंकि बड़े साइज़ का डीजल इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इंजन के बारे में ही बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि आप देख ही सकते हो। इसके पावर वगैरह के बारे में पूछोगे तो यहाँ पे आपको जो है 116 BHP की पावर देखने को मिलती है, और 260 Nm का जो है यहाँ पे आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। बाकी महिंद्रा वगैरह की बेजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, और साथ के साथ अगर आप कूलेंट फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और वॉशर फिल करना चाहते हो, एक बार देखते हैं कहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ से फिल कर सकते हो इसके अंदर वॉशर। और अब इतना बड़ा इंजन मिल ही रहा है, आपको लग रहा होगा कि एवरेज वगैरह कम देगा, तो बताया था कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 20 किलोमीटर पर लीटर का जो है एवरेज क्लेम कर रही है इसके डीजल के अंदर, तो बढ़िया एवरेज आपको यहाँ पे जो देखने मिल जाएगा। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह सेम है पूरे महिंद्रा लाइनअप पे, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए इजिली एक्सटेंड भी करा सकते हो। सो ये कुछ सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप 10,40,000 जो है अपने MX2 प्रो वेरियंट के ऊपर लगाते हो। बाकी आपको कैसा लगा ये वाला प्रो वेरियंट कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। सो यही था आज के वीडियो में, कर देते हैं आज की वीडियो के एंड। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।